अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल केज ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 32 to 34, और इसी के साथ आपकी जो है इसी लेक्चर के साथ आपकी 7.1 जो है वो वाइंड अप हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पास गिवन इंटीग्रल है 0 से पाई बाय 2 इनटू लॉग ऑफ कॉट एक्स इनटू डीएक्स इज इक्वल टू 0। इस इंटीग्रल को मैंने लेट कर लिया आई की इक्वल है 0 से पाई बाय 2 इनटू लॉग ऑफ कॉट एक्स इनटू डीएक्स। कॉट आपके पास क्या होता है? कॉज ओवर साइन होता है। उसके बाद प्रॉपर्टी यूज की कि लॉग ऑफ, आपके पास अगर लिखा हो लॉग ऑफ एक्स ओवर वाई, तो आप कहते हो ये आपके पास इक्वल है लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई, यानी कि लॉग ऑफ न्यूमिरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। यहां पे भी मैंने ऐसे किया, लॉग ऑफ न्यूमिरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर इंटू डीएक्स। उसके बाद मैंने इंटेग्रल सेपरेट कर लिया, कॉज एक्स पे भी इंटेग्रल है और साइन एक्स के ऊपर भी इंटेग्रल है। इसको मैंने कह दिया ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। उसके बाद मैंने अपनी प्रॉपर्टी यूज की कि मेरे पास प्रॉपर्टी है 0 to a एफ ऑफ एक्स डीएक्स इट इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स इंटू डीएक्स, ठीक है। यानी कि आप फंक्शन में अपने x को रिप्लेस करते हैं a माइनस एक्स से, और a क्या है? आपकी अपर लिमिट। इसका मतलब आप अपने फंक्शन में x को रिप्लेस करते हैं अपर लिमिट माइनस x से, ठीक है। तो यहां पर मैंने x को रिप्लेस कर दिया अपर लिमिट माइनस x से। आप देख सकते हैं अपर लिमिट आपकी पाई बाय 2 है, तो यहां मैंने लिख दिया पाई बाय 2 माइनस x, और यहां पर भी मैंने x को रिप्लेस कर दिया अपर लिमिट माइनस x से, तो अपर लिमिट मेरी पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 माइनस x कर दिया। उसके बाद आपने पढ़ा था कि अगर आपके पास पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल आ रहा हो, पाई बाय 2 का अगर ऑड मल्टीपल आपके थीटा में प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो, ठीक है। आप देख सकते हो आपका थीटा यानी कि आपके एंगल में, एंगल यहां पे क्या है? एक्स है, तो एंगल में आपका माइनस हो रहा है। तो अभी आप माइनस की बात कर लेते हैं। ऑड मल्टीपल पाई बाय 2 का अगर आपके एंगल में से माइनस हो रहा हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपनी को रेशियो में चेंज हो जाती है। अगर यहाँ कॉस है तो कॉस की को रेशियो होती है साइन, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। अगर यहाँ साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और एंगल साथ आएगा थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो पाई बाय 2 का यहाँ ऑड मल्टीपल है 1 है, ठीक है। पाई बाय 2 का यहाँ कोफिशियंट क्या है मेरे पास? 1 है। तो ये 1 मेरे पास ऑड नंबर है, इसका मतलब पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है, तो कॉस अपनी को रेशियो में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। और यहां पर आपके पास एंगल आएगा, एंगल आपके पास एक्स है। पाई बाय 2 नहीं लगाना, क्योंकि पाई बाय 2 आपको सिर्फ ये बता रहा है कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपनी को रेशियो में चेंज होगी कि नहीं। अगर ऑड मल्टीपल हो तो को रेशियो में चेंज हो जाती है, अगर इवन मल्टीपल हो तो को रेशियो में चेंज नहीं होती। और ये माइनस जो है वो आपको क्वाड्रेंट बता रहा है, मतलब आपके पास ये लिखा हुआ है पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो यहां पर आपके पास पाई बाय 2 होता है। पाई बाय 2 माइनस एक्स का मतलब है पाई बाय 2 से आपने पीछे आना है, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए आपका कॉस भी पॉजिटिव है। तो फिर इसका आंसर भी आपके पास साइन एक्स आएगा, माइनस साइन एक्स नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज मेरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ी है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी पाई बाय 2 जो है वो ऑड मल्टीपल है पाई बाय 2 का, मेरे पास पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल मेरे एंगल में से माइनस हो रहा है, तो साइन अपनी को रेशियो में चेंज हो जाएगा। साइन को रेशियो क्या है? कॉस, और यहाँ पर कॉस के साथ आ जाएगा एक्स। अगेन पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखा हुआ, यू आर अगेन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए आपके पास यहाँ पर भी कॉस एक्स ही आएगा, माइनस का साइन नहीं आएगा, ठीक हो गया। तो ये आपके पास लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस 0 से पाई बाय 2 लॉग ऑफ कॉस एक्स डी एक्स आ गया, और अगर आप गौर करो तो यही आपकी इक्वेशन नंबर 1 भी है। अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 ऐड करूं, तो ये भी आई है मेरा, और ये भी आई है, तो आई प्लस आई मेरे पास हो जाएगा 2i। जब इसकी राइट हैंड साइड में ये वाली टर्म ऐड करूंगी, तो ये लिखा हुआ है लॉग कॉस एक्स डी एक्स, ये लिखा हुआ है माइनस लॉग कॉस एक्स डी एक्स, ये लिखा हुआ है लॉग साइन एक्स डी एक्स, ये लिखा हुआ है माइनस लॉग साइन एक्स डी एक्स। तो जब मैं राइट हैंड साइड्स को ऐड करूंगी, तो दोनों टर्म्स एक दूसरे के ऑपोजिट साइन के साथ आ रही हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगी, और मेरे पास राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 0। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा, तो मेरे पास आई भी क्या आ जाएगा? 0।
नेक्स्ट एंड द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है जी, एक्स डी एक्स ओवर ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एक्स प्लस बी स्क्वेयर इंटू कॉस स्क्वेयर एक्स। ठीक है, और लिमिट आपको दी हुई है 0 से पाई। मैंने इसको लेट कर लिया कि ये मेरे पास आई के इक्वल है। उसके बाद अगेन मैंने वही प्रॉपर्टी यूज की जो आप पूरी एक्सरसाइज में यूज करके आए हैं, और आई होप सो कि अब आपको याद भी हो गई होगी कि 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स आपके पास इक्वल होता है 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, यानी कि आप x को रिप्लेस करते हैं a माइनस एक्स से। a का मतलब है अपर लिमिट, इसका मतलब आप x को रिप्लेस करते हैं अपर लिमिट माइनस x से। तो अपर लिमिट मेरी पाई है, यहां पर भी मैंने x को रिप्लेस कर देना है अपर लिमिट माइनस x से, यहां पे भी मैंने x को रिप्लेस कर देना है अपर लिमिट माइनस x से, इधर भी x को रिप्लेस कर देना है अपर लिमिट माइनस x से। और अपर लिमिट मेरी पाई है तो सारी जगह मेरे पास आ जाएगा पाई माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद ये पाई माइनस एक्स को आप देख लो कि आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होनी है कि नहीं। तो आप देखते हो कि पाई बाई टू का आपके पास इवन मल्टीपल है कि ऑड। ठीक है, तो मुझे पाई चाहिए, तो पाई कैसे बनेगा अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, यानी कि टू से मल्टीप्लाई भी कर दूं और टू से डिवाइड भी कर दूं। ठीक है, क्यों मैं टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके चेक कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो कोर रेशो अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपनी कोर रेशो में तब चेंज होती है जब मेरे पास पाई बाय टू का ऑड मल्टीपल हो, और जब मेरे पास पाई बाय टू का इवन मल्टीपल हो फिर चेंज नहीं होती। तो मुझे चेक करना है कि मेरे पास पाई बाय टू का ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है। ठीक है, तो इसलिए मुझे इसको पाई बाय टू की शक्ल में लिखूंगी तो चेक करूंगी। तो मैंने यहां पर पाई बाय टू लिख दिया और यहां भी टू से मल्टीप्लाई कर दिया। ऑब्वियसली जब मैं टू से डिवाइड कर रही हूं तो फिर मुझे टू से मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक हो गया, अब आप देखो कि ये पाई बाय टू का इवन मल्टीपल आ रहा है। तो जब इवन मल्टीपल हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपनी कोर रेशियो में चेंज नहीं होती, ये आपके पास साइन स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा वापस, ये अपनी कोर रेशियो में चेंज नहीं होगा। एंगल आपने ये लगाना है साथ, ये जो चीज है ये सिर्फ ये बता रही है कि आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है अपनी कोर रेशियो में चेंज होगी कि नहीं। तो अगर इवन मल्टीपल होगा पाई बाय टू का तो नहीं चेंज होगी, आपके पास साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास पाई माइनस एक्स है। ठीक है, और अगर आप चेक करें तो पाई आपके पास यहां होता है और ये पाई में से कुछ माइनस हो रहा है, इट मींस आपने पीछे को जाना है। तो जब आप पाई में से कुछ माइनस करते हैं पीछे को जाते हैं, देन यू आर इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब साइन आपका पॉजिटिव है, तो आंसर आपका ये पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड पर आ जाए, आपके पास लिखा है कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, इसको भी आपको इवन मल्टीपल में लिखना पड़ेगा, पाई बाय टू की शक्ल में लिखना पड़ेगा, फिर ही आप चेक करोगे ना कि पाई बाय टू का इवन मल्टीपल है कि नहीं। तो पाई बाय टू का ये भी इवन मल्टीपल ही बनेगा, क्योंकि पाई को पाई बाय टू में मैं चेंज करूंगी तो टू से मल्टीप्लाई करूंगी, टू से ही डिवाइड करूंगी। तो ये मेरे पाई बाय टू का इवन मल्टीपल आ रहा है, तो कॉस अपनी कोर रेशियो में चेंज नहीं होगा। ठीक है, मेरे पास ये कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ये बेसिकली आपके पास देखें, आपके पास लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये मेरे पास है कॉस पाई माइनस एक्स इसका स्क्वायर, यही मतलब है ना। तो अब आप जरा चेक करो कॉस पाई माइनस एक्स को, पाई माइनस एक्स आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि पाई में से कुछ माइनस हो रहा है, इट मींस यू आर इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब कॉस नेगेटिव होता है, इसका मतलब इसका आंसर आपके पास माइनस कॉस एक्स आएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपनी कोर रेशियो में चेंज नहीं हुई क्योंकि ये पाई बाय टू का इवन मल्टीपल बनता है, तो इसका आंसर अगर ये कॉस में है तो इसका आंसर भी कॉस में ही आएगा। ठीक है, लेकिन कॉस पाई माइनस एक्स जो है वो माइनस कॉस एक्स के इक्वल होता है और ऊपर स्क्वायर है, वो स्क्वायर की वजह से आपको यहाँ माइनस नजर नहीं आ रहा, क्योंकि माइनस जो है आपके स्क्वायर को अब्सॉर्ब कर लेगा और ये आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाता है ना। तो ये आपके पास वापस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। उसके बाद ऊपर पाई माइनस एक्स लिखा है, इसका मतलब पाई के नीचे भी ये सारा कुछ था और एक्स के नीचे भी ये सारा कुछ है। तो मैंने पाई के नीचे भी सेपरेट कर लिया, मैंने एक्स के नीचे भी सेपरेट कर लिया, और लिमिट मेरी है जी 0 से पाई।
उसके बाद ये तो वापस मेरा गिवन इंटेग्रल ही आ गया, इसको मैंने लिख लिया आई, यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, आई प्लस आई मेरे पास आ जाएगा 2i। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास आ गया पाई कांस्टेंट है, मैंने इंटेग्रल से बाहर निकाल दिया, मेरे पास आ गया dx ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है। अब अगर मैं इसी से रिप्लेस करती हूं अपने x को, पाई माइनस x से रिप्लेस करती हूं, तो पाई माइनस x से अभी आपने रिप्लेस किया, आपने देखा कि इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर मैं क्या करने लगी हूं, मैं अपनी लिमिट का हाफ करने लगी हूं। और जब लिमिट का हाफ करते हैं तो आप बाहर भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये पाई मैंने इंटेग्रल से बाहर निकाल लिया, लिमिट का हाफ किया, जब लिमिट को हाफ किया तो इसका मतलब लिमिट का हाफ करने के लिए लिमिट को 2 पे डिवाइड किया, जब लिमिट का हाफ कर रही हूं तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है। बाय दिस प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास लिखा हो 0 टू a f ऑफ x dx देन इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a f ऑफ x dx। ठीक है। यानी कि जब आपकी अपर लिमिट का आप आधा करोगे, देखो 2a का हाफ क्या होता है a, ठीक है, जब आप इसका हाफ कर रहे हो तो वो कह रहा है साथ आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी करो, ये हाफ करोगे तो ये आपके पास a रह जाएगा और साथ आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए मैंने जब अपनी लिमिट का हाफ किया, मैंने बाहर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब इधर भी 2 है इधर भी 2 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू पाई 0 से पाई बाय 2 इंटू डीएक्स। ठीक है। और आगे मैं वही प्रॉपर्टी यूज करने लगी हूं कि अगर मेरे पास लिखा हो 0 टू a f ऑफ x dx देन इट इज इक्वल्स टू 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। यानी कि आप अपने फंक्शन में x को रिप्लेस कर सकते हैं अपर लिमिट माइनस x से, अपने फंक्शन में x को रिप्लेस कर सकते हैं अपर लिमिट माइनस x से। तो मैंने यहां भी x को रिप्लेस कर दिया अपर लिमिट माइनस x से, यहां भी x को रिप्लेस कर दिया अपर लिमिट माइनस x से। ठीक है। अपर लिमिट मेरी पाई बाय 2 थी तो मैंने यहां रिप्लेस कर दिया, इधर भी रिप्लेस कर दिया, इधर भी रिप्लेस कर दिया। ठीक हो गया। अब आप देखो, अब ये जो है ना, ये पाई बाय 2 की शक्ल में पहले से ही लिखा हुआ है कि पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है। देखो पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स क्या होते हैं, क्या आप पाई बाय 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें या 3 से मल्टीप्लाई हो रहा हो या 5 से या 7 से। ठीक है। यही ऑड मल्टीपल्स है ना पाई बाय 2 के, तो आपके पास ये वाली सूरत हाल है, इसका मतलब है पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है तो साइन अपनी को रेशियो में चेंज हो जाएगा कॉस में, और यहां पर भी पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है तो कॉस अपनी को रेशियो में चेंज हो जाएगा साइन में, ऊपर स्केयर से तो दोनों के ऊपर स्केयर आ गए। ठीक है। यहां तक हो गया। अब देखो मैंने कॉस स्केयर से डिवाइड किया न्यूमिरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, क्यों भाई क्यों डिवाइड किया? अच्छा डिवाइड मैंने क्यों किया, पहले आप ये देखें, आपके पास दो चीजें हैं, एक आप पढ़ के आए हो कि अगर आपके पास लिखा हो 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपके पास होता है टेन इनवर्स एक्स के इक्वल। ठीक है। दूसरी मैंने आपको एक दफा ये भी बताया था कि जो मेन रिजल्ट है ना वो ये होता है 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। और ये आपके पास इक्वल होता है 1/a टेन इनवर्स एक्स ओवर ए। ठीक है। अगर आप इसको ऊपर वाले से मैच करो तो a की जगह पर आपके पास 1 लिखा हुआ है, तो यहां पर 1/1 करोगे 1 हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स ओवर 1 करोगे तो टेन इनवर्स एक्स ही आ जाएगा। तो ये वाला जो रिजल्ट है ये इसी से डिड्यूस हुआ हुआ है, मेन फॉर्मूला आपके पास ये है। ठीक है। 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है 1/a इंटू टेन इनवर्स एक्स ओवर ए, लेकिन शर्त ये कि इसकी पावर को छोड़कर इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, पावर को छोड़कर इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, तो एक्स का डेरिवेटिव आपके पास 1 है वो ऊपर मौजूद है, फिर आप इंटीग्रेट करते हो। ठीक हो गया। अब यहां पर ए स्क्वायर के साथ आपके पास कोई और टर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और यहां एक्स स्क्वायर यानी कि वेरिएबल वाली टर्म के साथ और कोई टर्म नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल वाली टर्म के अलावा और यहां पर कोई टर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सबसे पहले तो मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ ए स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर भी आ रहा है, तो मुझे इसको हटाना है,
तो हटाऊं कैसे, मैंने इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब जब अपने डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर रही हूँ तो फिर न्यूमिरेटर को भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ठीक हो गया। ये 1/cos² मेरे पास सीकेंट स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर एज इट इज, बी स्क्वायर एज इट इज, साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर मेरे पास हो गया टेन स्क्वायर, ठीक हो गया। यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे देखो, आगे मैंने क्या किया। अब दूसरी चीज ये है कि ए स्क्वायर तो मुझे खाली मिल गया, ए स्क्वायर खाली मिलने से मुराद है कि यहां पर सिर्फ कॉन्स्टेंट हो, ठीक है। कॉन्स्टेंट मेरा फ्रैक्शन में भी हो सकता है। अगर आपके पास यहां पर लिखा हो 1/2/3 का स्क्वायर, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा ए नहीं है जी, ये ए है। मतलब बस यहां पर कॉन्स्टेंट हो और वेरिएबल आपका सिर्फ यहां पर हो, ठीक हो गया। तो अब मुझे नजर आ रहा है कि मेरा ये वेरिएबल है टेन स्क्वायर एक्स, मेरा एक फंक्शन है, ठीक है। मुझे यहां से बी स्क्वायर हटाना, चलो जी अब बी स्क्वायर का मसला बन गया। तो बी स्क्वायर जो मुझे हटाना है तो कैसे हटाना है, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर बी स्क्वायर से भी डिवाइड कर दिया। अब जब न्यूमिरेटर को डिवाइड कर रही हूं तो सॉरी डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रही हूं तो न्यूमिरेटर को भी डिवाइड करूंगी, ठीक हो गया। ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, इसके नीचे भी बी स्क्वायर आ जाएगा, इसके नीचे भी आ जाएगा, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, आपके पास ये जो बी स्क्वायर है ये आपके पास ए स्क्वायर के नीचे भी है और ये बी स्क्वायर आपके पास बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स के नीचे भी है, ठीक है। यहां से ये बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर ए पे भी है बी पे भी है, मैंने लिख दिया ए ओवर बी होल का स्क्वायर, और यहां पर मेरे पास सिर्फ ये टेन स्क्वायर एक्स का मतलब है कि ये टेन एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। मुझे इस तरह से चाहिए ना, ऐसे लिखना है मैंने, ठीक है। और इसका इस वाली चीज का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया ये मेरे पास a ओवर b का स्क्वायर है, ये मेरे पास tan x का स्क्वायर है, और ये जो मैंने b स्क्वायर से डिवाइड किया था ये डिवीजन में है ना, b स्क्वायर बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा पाई ओवर b स्क्वायर। देखो आपके पास 1/4 अगर लिखा हुआ है तो इसको अगर मैं ऐसे लिख लूं तो कोई मसला है नहीं, है ना। तो इसी तरह मेरे पास ऊपर लिखा हुआ है सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स ओवर बी स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने dx दो दफा लगा दिया, एक ही दफा आना है, ठीक है। secant square x over b square लिखा, तो अगर इसको मैं ऐसे लिख लूं 1/b² into secant square x, तो क्या गलत हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो ये b square मैंने इंटेग्रल से बाहर निकाल दिया, तो ये आपके डिनोमिनेटर में आना है, ठीक है। अब tan का आपके पास ऊपर डेरिवेटिव है secant square, इसका मेरे पास ये डेरिवेटिव भी पड़ा है, ठीक है। तब आप लिखते कैसे हो, अगर आपके पास ये वाली चीज आ रही है तो आप इसको कैसे लिखते हो, 1/a tan इनवर्स x ओवर a, ठीक है। तो मेरे पास a की जगह पर यहां पर लिखा हुआ है a ओवर b, तो मैंने लिख दिया 1/a/b, और आगे मैंने लिखना है tan इनवर्स ऑफ दिस, यहां पर मेरे पास x था तो मैंने x ओवर a लिखा। अब यहां पर tan x है तो मैं यहां पर लिखूंगी tan x ओवर दिस, tan x ओवर दिस। तो ये क्या है, ये मेरे पास a ओवर b है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, a ओवर b है, ठीक है। ये b जो आपका यहां डिवाइड हो रहा है, देखो डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर है, तो ये आपका न्यूमिरेटर में आ जाएगा, ठीक हो गया। ये फॉर्मूला यूज करते हुए मैंने ये चीज लिखी है 1/a, ये चीज आपकी a की जगह है, तो मैंने लिखा 1/a/b into tan inverse x over a, x की जगह पर आपके पास लिखा हुआ tan x और a की जगह आपके पास लिखा हुआ a over b, तो मैंने लिख दिया tan x a over b, तो ये b मेरा न्यूमिरेटर में आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा b tan x over a, ठीक है। और ये b भी मेरा न्यूमिरेटर में चला जाएगा, तो यहाँ b की दो पावर है, यहाँ एक पावर है, एक एक से कैंसिल हो जाएगी, मेरे पास यहाँ से पाई और ये b into a, मेरे पास a भी आ जाएगा, ठीक हो गया। अब आगे देखें, अब आपने लिमिट भी तो लगानी है 0 से π/2, तो ये पाई ये भी तो कांस्टेंट है, इसको मैंने साइड पे कर लिया, लिमिट मैंने इस हिस्से पे लगानी है टेन इनवर्स एज इट इज। यहां जब π/2 लगूंगी ना मैं, तो टेन π/2 मेरे पास इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी को b से मल्टीप्लाई किया इन्फिनिटी, तो ये मेरे पास इन्फिनिटी ओवर a है, ठीक है, इन्फिनिटी ओवर a है। अब इन्फिनिटी को a पे डिवाइड भी करूंगी तो भी इन्फिनिटी आना है, ठीक है।
और जब मैं यहाँ जीरो रख रही हूँ तो टेन जीरो 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 बी से मल्टीप्लाई होगा, जीरो जीरो को ए पे डिवाइड करूंगी जीरो, ठीक है। तो यहां पर भी इन्फिनिटी ओवर ए जो है वो आपके पास इन्फिनिटी ही आ जाएगा। अब टेन इनवर्स इन्फिनिटी लें तो वो आपके पास होता है पाई बाय टू, और टेन इनवर्स जीरो तो जीरो ही हो जाना है, तो ये टेन इनवर्स इन्फिनिटी आपके पास होता है पाई बाय टू, तो इसकी जगह पाई बाय टू आ गया और साथ पाई ए भी है, तो ये पाई इंटू पाई पाई स्क्वेयर आ जाएगा और ए बी इंटू टू करेंगे तो यू गेट टू ए बी, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है जी, जीरो से पाई बाय टू इंटू लॉग ऑफ टेन एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है। और वो कह रहा है कि इसको इंटीग्रेट करें तब और इसको इंटीग्रेट करें तब, दोनों तरह से आपके पास आंसर सेम आए, यानी कि ये दोनों चीजें इक्वल होती हैं। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करूंगी, फिर मैं राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट करूंगी और हम चेक करेंगे कि दोनों तरह से हमारे पास एक ही आंसर आए, ठीक है। तो आई आपके पास है जीरो से पाई बाय टू लॉग ऑफ टेन एक्स प्लस कॉट एक्स, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रही हूँ। टेन आपके पास है साइन ओवर कॉस और कॉट आपके पास है कॉस ओवर साइन। एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। यहां पर आपके पास फिर बन जाएगा साइन स्क्वायर और यहां पर बन जाएगा कॉस स्क्वायर। कैसे? जो एलसीएम आया उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। एलसीएम आपके पास आया साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और उससे इधर भी मल्टीप्लाई कर दें साइन एक्स कॉस एक्स। तो यहां से आप देखो साइन एक्स से कट जाएगा, कॉस एक्स आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर। यहाँ पे कॉस कॉस से कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपके पास वन होता है। अगेन लॉग की प्रॉपर्टी यूज की, ये वाली प्रॉपर्टी, लॉग एक्स ओवर वाई आपके पास इक्वल होता है लॉग एक्स माइनस लॉग वाई के। ठीक है, तो यहां पर यानी कि लॉग ऑफ न्यूमिरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, मैंने यहां पे कर दिया लॉग ऑफ न्यूमिरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। लॉग ऑफ वन जो है वो मेरे पास जीरो होता है, तो मेरे पास रह गया लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक हो गया, लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो फिर मेरे पास एक मल्टीप्लीकेशन की भी प्रॉपर्टी है कि अगर मेरे पास लॉग एक्स इंटू वाई लिखा हो तो उसको मैं लिख सकती हूँ लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स, उसके बाद यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस इसके साथ भी आएगा, माइनस आपका इसके साथ भी आएगा। इंटेग्रल मैंने सेपरेट कर लिया जीरो से पाई बाय टू और जीरो से पाई बाय टू, ठीक हो गया। उसके बाद मैंने ये प्रॉपर्टी यूज की है कि अगर आपके पास लिखा हो जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, देन इट इज इक्वल्स टू जीरो टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। यानी कि आप x को रिप्लेस कर देते हैं अपर लिमिट माइनस x से, a आपकी अपर लिमिट है ना, तो मैंने यहां पर यही काम किया कि यहां मैंने x को रिप्लेस कर दिया पाई बाय टू माइनस x से, यहां पे भी मैंने x को रिप्लेस कर दिया पाई बाय टू माइनस x से, ठीक है। तो जब आपके पास पाई बाय टू माइनस x आ रहा है तो आपने चेक करना है कि ये पाई बाय टू का ऑड मल्टीपल है कि इवन, तो ये ऑड मल्टीपल है। अगर पाई बाय टू का ऑड मल्टीपल है तो साइन अपनी को रेशियो में चेंज हो जाएगा, यहां पर आपके पास आ जाएगा कॉस एक्स, और अगर यहां पर भी आपके पास पाई बाय टू का ऑड मल्टीपल है तो कॉस अपनी को रेशियो में चेंज हो जाएगा, यहां पर आपके पास आ जाएगा साइन एक्स, ठीक है। ओके, यहां पर आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर मैं सिर्फ इसको इस पे प्रॉपर्टी लगा लूं, ये वाली इस पे ये वाली प्रॉपर्टी लगा लूं तो ये मेरा कॉस में आ जाएगा, और ये मेरे पास ऑलरेडी कॉस में लिखा है तो ये प्लस हो जाएंगे फिर। तो आप यहां पर ना चेंज करें, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी आप सिर्फ पहले इंटेग्रल पे अप्लाई करें, दूसरा इंटेग्रल आप कॉस एक्स ही रहने दें, ठीक है, दूसरा इंटेग्रल आप कॉस एक्स ही रहने दें। तो ये बिल्कुल सेम हो गए, दोनों चीजें सेम है, ठीक है। तो ये आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी, तो ये आपके पास आ जाएगा टू टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। अगर आप यहां पे भी चेंज कर दोगे ना तो इधर कॉस उधर साइन हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो एक जगह चेंज कर लें,
जिधर आपका दिल करता है आप उधर चेंज कर ले, कोई जरूरी नहीं है कि इधर ही चेंज करना उधर नहीं कर सकते, ठीक है। एक जगह चेंज कर ले, आपके पास आ जाएगा माइनस टू इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। उसके बाद ये आप इवेल्युएट करके आए अपने क्वेश्चन नंबर 21 से 33 तक देख लें, किसी एक क्वेश्चन में आपने ये इवेल्युएट किया था, आपके पास आया था माइनस पाई बाय टू इंटू लॉग ऑफ टू, ठीक है। तो बजाय इसके कि सारे को आप फिर दोबारा इवेल्युएट करें, आप ये रिजल्ट याद रखें कि अगर आपके पास जीरो से पाई बाय टू लॉग कॉस एक्स है तो इसका आंसर होता है माइनस पाई बाय टू इंटू लॉग ऑफ टू, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको आपने याद रखना है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये टू टू से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा पाई लॉग ऑफ टू। तो ये आपकी आया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करने लगी, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर याद रख लें पाई लॉग ऑफ टू आया। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करने लगी हूं तो राइट हैंड साइड आपकी है एक्स ओवर साइन एक्स का होल स्क्वायर जीरो से पाई बाय टू। तो स्क्वायर एक्स पे भी है, स्क्वायर साइन पे भी है, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि ये मेरे पास एक्स का भी स्क्वायर है और स्क्वायर मेरा साइन के ऊपर भी है। तो वन ओवर साइन स्क्वायर मेरे पास क्या होता है, कोसेकेंट स्क्वायर, ठीक है। अब ये मेरा फर्स्ट फंक्शन आ रहा है, ये मेरा सेकंड फंक्शन आ रहा है, इसको आप बाई पार्ट्स इंटीग्रेट कर लें। बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करने के लिए फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हम कैसे चूज करते हैं, थ्रू आइलेट रूल। तो अलजेब्रिक फंक्शन आपका फर्स्ट फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका सेकेंड फंक्शन है। बाई पार्ट्स आपके पास क्या फॉर्मूला है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू डीएक्स। अब कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉट एक्स, कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉट एक्स, कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉट एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप लेंगे तो आपके पास आ जाएगा टू एक्स। उसके बाद ये टू कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर चला गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, आपके पास आ गया एक्स कॉट एक्स, ठीक है। यहां पर आप लिमिट अप्लाई कर दो, जब आप यहां पर x की जगह पर अप्लाई करोगे पाई बाय टू का स्क्वायर, माइनस को मैंने शुरू में लिख लिया पाई बाय टू का स्क्वायर, ठीक है। कॉट x की जगह पर लगा दिया मैंने पाई बाय टू, ये ब्रैकेट शायद आपको नजर आ रही है, यहां मैंने ब्रैकेट लगाई है, ये माइनस मैंने बाहर निकाल लिया, यानी कि मैंने ऐसे लिखा है माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू कॉट एक्स, ठीक है। और लिमिट मेरी है जी जीरो से पाई बाय टू तक। तो जब मैंने अपर लिमिट अप्लाई की इधर भी पाई बाय टू का स्क्वायर आ गया, इधर मेरे पास आ गया कॉट पाई बाय टू। जब मैं लोअर लिमिट लगाऊंगी तो यहां एक्स की जगह जब जीरो लगाऊंगी, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो इससे मल्टीप्लाई होगा, ये सारा ही जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये कॉट पाई बाय टू लिखा हुआ है, तो बच्चों कॉट आपके पास होता है कॉस ओवर साइन, ठीक है। तो अगर कॉट पाई बाय टू है इट मीन्स दिस इज कॉस पाई बाय टू ओवर साइन पाई बाय टू, ठीक है। कॉस पाई बाय टू आपके पास जीरो होता है, साइन पाई बाय टू वन, तो जीरो ओवर वन जीरो, जीरो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा जीरो, तो ये पूरी चीज ही आपके पास जीरो हो गई, आपके पास सिर्फ रह गया टू एक्स कॉट एक्स डी एक्स जीरो से पाई बाय टू, ठीक है। अभी भी मेरा एक अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है और दूसरा मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, अगेन बाई पार्ट्स लगाऊंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेरा सेकेंड फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन मेरा फर्स्ट फंक्शन है। तो बाई पार्ट्स के फॉर्मूले से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटेग्रल फ्रॉम जीरो टू पाई बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये डीएक्स डीएक्स से कैंसिल हो जाएगा, कॉट की इंटीग्रेशन आपके पास होती है लॉग साइन एक्स, कॉट की इंटीग्रेशन होती है लॉग साइन एक्स। क्यों लॉग साइन एक्स कॉट की इंटीग्रेशन होती है, क्योंकि कॉट आपके पास होता है कॉज ओवर साइन, ठीक है, कॉज ओवर साइन। तो आप देखो साइन का आपके पास ऊपर डेरिवेटिव पड़ा है, तो जब नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव हो तो नीचे वाला लॉग में आ जाता है, ठीक है। तो आपने देखा कि आपके पास कॉट की इंटीग्रेशन आती है लॉग साइन एक्स। आप ये फॉर्मूला पढ़ के आए हैं कि अगर आपके पास नीचे लिखा हो एफ ऑफ एक्स और ऊपर आपके पास लिखा हो एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है, तो ये चीज आपके पास इक्वल होती है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि ये नीचे वाला जो है आपका लॉग में चला जाता है अगर इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो। तो आप देखो साइन के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो साइन लॉग में चला जाएगा, तो कॉट की इंटीग्रेशन आपके पास होती है लॉग साइन एक्स, इधर भी कॉट की इंटीग्रेशन आपके पास आ गई लॉग साइन एक्स, ये डीएक्स डीएक्स से कैंसिल हो जाएगा। यहां पर इंटीग्रेशन क्योंकि सॉल्व हो गई है, ये आपके पास जीरो से पाई बाय टू लिमिट आ जाएगी,
सारी चीज का आंसर जीरो हो जाएगा। कैसे? पहले ये देख लें कैसे। ये टू ने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। आपके पास आ जाएगा माइनस टू जीरो से पाई बाय टू लॉग ऑफ साइन एक्स डीएक्स। तो आपके पास अगर यहाँ पर लॉग ऑफ कॉस एक्स लिखा हो तब भी आंसर आपके पास वही है, लॉग ऑफ साइन लिखा हो तब भी आंसर वही है। अगर आप लॉग ऑफ साइन एक्स को इवेल्युएट करते हैं तब भी आपके पास आंसर आता है माइनस पाई बाय टू इंटू लॉग ऑफ टू। अगर आप लॉग ऑफ कॉस एक्स को इवेल्युएट करते हैं तब भी आंसर आपके पास है माइनस पाई बाय टू इंटू लॉग ऑफ टू। इसलिए ये रिजल्ट आपने याद रखना है। तो ये टू टू से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा पाई इंटू लॉग ऑफ टू। यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था, यही आपकी राइट हैंड साइड का आंसर था, ठीक है। अब आप ये चीज देख लो कि ये चीज जीरो कैसे हुई है। आपके पास लिखा हुआ है एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स और लिमिट आपके पास है जीरो से पाई बाय टू। पहले मैं एक्स की जगह पर लगाने लगी हूं अपर लिमिट यानी कि पाई बाय टू। इधर मैंने लगाया पाई बाय टू, यहां पर मेरे पास आ गया लॉग ऑफ साइन पाई बाय टू, ठीक है। फिर माइनस, अब आपने लोअर लिमिट लगानी है। एक्स की जगह पर यहां मैंने लगाया जीरो और साथ मेरे पास आ गया लॉग ऑफ साइन, एक्स की जगह पर मैंने लगा दिया जीरो, ठीक है। एक्स की जगह पर लगा दिया जीरो। अब ये जीरो ने जब इस सारे से मल्टीप्लाई होना है तो ये सारा तो वैसे ही जीरो हो जाएगा, ठीक है। साइन पाई बाय टू मेरे पास वन होता है, ये वाला पाई बाय टू एज इट इज, लॉग भी एज इट इज, साइन पाई बाय टू मेरे पास होता है वन। तो लॉग ऑफ वन आपके पास जीरो होता है, तो जीरो को जब पाई बाय टू से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी जीरो। तो आपने देखा कि ये वाली आपकी पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, आपके पास सिर्फ यही बचेगा, ठीक है। और इसका आपने डायरेक्ट आंसर याद रखना है, माइनस पाई बाय टू इंटू लॉग ऑफ टू होता है, टू टू से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास पाई इंटू लॉग ऑफ टू आ जाएगा। तो आपने देखा कि आपकी लेफ्ट और राइट हैंड साइड जो थी वो दोनों तरह से इक्वल आ गई। तो ये थी जी आपकी एक्सरसाइज 7.1 जो कि आज एंड हो गई है। होप सो कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोई क्यूरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।